अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इट्स माय सिग्नेचर रेसिपी, यू हैव टू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। आज मैं आपको नरगसी कोफ्ते बनाने भी सिखाऊंगी, इसको जो है फ्रीज करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। सब जो है सब पॉइंट्स मैं आपके क्लियर जरूर करूँगी, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए कीमा आधा किलो, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी कीमा करवाना है तो आपने वो कीमे करवाने वाले पीसीस को वॉश करना है, ना कि कीमा होने के बाद कीमे को वॉश करना है। नॉट एट ऑल, कीमे को आपने किसी भी सूरत वॉश नहीं करना। कीमे को वॉश करेंगे तो कीमा जो है ना वो उसके कबाब बन सकेंगे, ना किसी किस्म के कोफ्ते स्टे होंगे, जस्ट आप उसका जो है ग्रेवी बना सकेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। इसलिए जो है आपने कीमे को वॉश नहीं करना, कीमे वाले पीसीस को आपने वॉश करना है, जिन पीसीस का आप कीमा करवाना चाह रहे हो, ठीक है। कीमे को वॉश आपने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये हमें चाहिए 1/2 kg, एग्जैक्ट 500 ग्राम आपने कीमा ले लेना। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हो, मटन भी यूज़ कर सकते हो, बीफ भी यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इसी के साथ हमें चाहिए 1 onion, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है चॉप्ड करने के बाद। 1 tablespoon धनिया चाहिए, 3 हरी मिर्चे, 1/2 teaspoon लहसुन और 1/2 teaspoon अदरक, ठीक है। ये सारी हमारी हो गई वेजेस। 1 onion चाहिए, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और जो है हरा धनिया, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए हमें चाहिए 1/2 tablespoon सोया सॉस, ठीक है, 1.5 tablespoon भुने चने। आप इनका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये सब जब चॉपर में जाएगा तो पाउडर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी के साथ हमें चाहिए 1/2 and 1/8 teaspoon सॉल्ट, ठीक है। ब्लैक पेपर चाहिए 1/2 teaspoon, रेड चिलीज चाहिए 1/2 and 1/4 teaspoon, ठीक है। ज़ीरा पाउडर चाहिए 1/2 and 1/4 teaspoon, गरम मसाला चाहिए 1/2 teaspoon, ठीक है। ये सारे के सारे जो है स्पाइसेस हो गए। इसमें 2-3 स्पाइसेस जो हैं और जाएंगे। एक इसमें जो है नीडो मिल्क पाउडर जाएगा, इसमें एग भी जाएगा, ठीक है, इसमें ब्रेड भी जाएगी। मैं वो भी आपको सारा कुछ जो है डिटेल में बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने चॉपर ले लेना है बड़ा, ठीक है। इसमें चला गया 1/2 किलो कीमा, ठीक है। चिकन भी यूज़ कर सकते हो, मटन भी यूज़ कर सकते हो, बीफ भी यूज़ कर सकते हो, बट जो है कीमे को वॉश नहीं करना किसी भी सूरत। कीमा करवाने से पहले पीसीस को वॉश करना है, कीमा होने के बाद कीमे को वॉश नहीं करना, आप बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। इसी के साथ चला गया 1 प्याज, ठीक है, हरा धनिया चला गया, 3 हरी मिर्चें चली गई, 1/2 tablespoon जो है लहसुन चला गया, 1/2 tablespoon अदरक चला गया, ठीक है। इसी के साथ ये स्पाइसेस चले गए, भुने चने, ज़ीरा, रेड चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड क्यूमिन पाउडर, ठीक है। ये सारे के सारे स्पाइसेस चले गए इसमें, ठीक है। और इसी के साथ 1/2 tablespoon जो है सोया सॉस चली गई, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है आपने अच्छे से पहले चॉपर करना है, फिर मैं आपको जो है इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। 2-3 इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें और जाएंगे। ये वो स्पून्स है जो मैं यूज़ करके मेजरमेंट के साथ रेसिपीज़ बनाती हूँ। आपने भी इनको परचेज़ कर लेना और मेरी रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, 1 teaspoon जो है मिल्क पाउडर। नीडो मिल गया तो नीडो सही है, परफेक्ट है। अगर एवरीडे मिल गया तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चला गया मिल्क पाउडर, ठीक है। इसी के साथ 3 जो है ब्रेड के पीसीज आपने ले लेने, विद एजिज आपने यूज़ करने। इनको जो है मैं छोटे छोटे पीसीज इनके करती हूँ, वो ऐड करती हूँ इसमें, ठीक है। सारी वेजेस चली गई, स्पाइसेस चले गए, ब्रेड चली गई, ठीक है। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, ठीक है। आपने इनको जो है फ्रीज भी कर लेना। ये चले गए, ठीक है। इसी के साथ जो है आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है, एक अंडे को, और उसमें से आपने 1/2 जो ऐड करना है, जस्ट 1/2। नाउ दिस इज डन, 1/2 अंडा चला गया, 1/2 मैंने बचा लिया, ठीक है।
ये सब चीज़ें जो है चली गई, ठीक है, वेजिस चली गई, आधा किलो कीमे में 3 ब्रेड के पीसेस, आधा अंडा, 1 टीस्पून मिल्क पाउडर, नीडो मिल रहा है नीडो यूज़ कर लें, एवरीडे मिल रहा है एवरीडे यूज़ कर लें, 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून लहसुन, 1/2 टेबल स्पून अदरक, और जो है थोड़ा सा हरा धनिया के चॉप्ड करने के बाद वो ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हो, 1/2 भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी के साथ जो है सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, ठीक है, सॉल्ट 1/2 एंड 1/8 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 एंड 1/8 टी स्पून, ठीक है, और इसी के साथ जो है ज़ीरा पाउडर 1/2 एंड 1/4 टी स्पून, ठीक है, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, ओके। सारे स्पाइसेस भी मैंने रिपीट कर दिए हैं 2-3 दफ़ा, ठीक है, वेजेस भी रिपीट कर दिए हैं, इसके साथ अंडा भी चला गया, ब्रेड के स्लाइसेस भी चले गए, सोया सॉस भी चला गया, मिल्क पाउडर भी चला गया। ये सब चीज़ें जो है ऐड करने के बाद हमने इनको जो है चॉपर कर लेना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से चॉपर कर लेना है। आप कीमे की जगह जो है चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो, बीफ का भी यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये बहुत अच्छे बनते हैं, आप इसी कंसेप्ट के साथ जो है सीख कबाब भी बना सकते हो, ठीक है, और उसी के साथ जो है आप नरगसी कबाब भी बना सकते हो मिड में अंडा लगा के, ठीक है, कच्चे कीमे के कबाब भी एज अ डील कर सकते हो, ठीक है, कोफ्ते भी बना सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे जो है कंसेप्ट मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश की है, आप कुछ भी इस रेसिपी के साथ बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको जो अच्छे से चॉपर करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी से ब्लेंड करके फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी गुफी, बेटा नहीं करो, नाउ व्यूअर्स यू कैन सी इसको जो अच्छे से चॉपर करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है नरगसी कोफ्ते की फॉर्म दूंगी, ठीक है, सॉरी नरगसी कोफ्ते नहीं, जस्ट कोफ्ते, ठीक है। आप इसके अंदर जो है एग स्लाइसेस बॉईल करने के बाद, एग जो है बॉईल करने के बाद उसके स्लाइसेस करके आप इसके मिड में रख के इसको एज अ नरगसी कोफ्ते भी डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके सीख कबाब बना के आप इसको चारकोल पे भी कर सकते हो, ठीक है, बारबेक्यू ग्रिल पैन पे भी कर सकते हो, इसकी टिक्कियां बना के कच्चे कीमे के कबाब भी एज अ सर्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो है इसके कबाब बना के इसको अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स लगा के फिर भी जो है आप इसको डीप फ्राई करने के बाद सर्व कर सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल चॉइसेस ऑन यू, ठीक है। इसको जो है अच्छे से आपने चॉपर करना है। ये रेसिपीज जो हैं बिल्कुल इनका जो है सॉल्ट तक चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये मेयरमेंट के मुताबिक रेसिपीज़ हैं, ठीक है। मेयरमेंट स्पूंस जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, वो आपने सुपरमार्केट में किसी भी शॉप से अच्छे वाली से मिल जाते हैं, आपने वो ले लेने और आपने उनको यूज़ करने के बाद मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। अब इसकी जो है मैं शक्ल देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ अच्छे से। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी मैंने इसको जो है राउंड शेप दे दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी को जो है चिकन में ट्राई करके इसके मिड में चीज़ और मिंट को मिक्स करके उसका जो है छोटा छोटा स्लाइस रख के आप इसको फ्राई करके एज आ आप इसको मिंट चीज़ बॉल भी फ्राई सर्व कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है जब आपने बनाना है तो आपने इसको शॉपर के ऊपर रखना है, ठीक है, आपने इसको वैसे ही नहीं रख देना। उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये जो है फ्रीज़ हो जाएंगे तो आपको उतारने में मसला होगा और आपने शॉपर जो है वाइट या ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है। शॉपर के ऊपर कोई किसी किस्म की राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो राइटिंग है ये कोफ्तों के साथ लग जाएगी, ठीक है।
मैंने अब आपके जो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इसको आप अंडा और ब्रेड क्रम लगा के डीप फ्राई भी कर सकते हो, सीख कबाब भी बना सकते हो, चपड़ी कबाब भी बना सकते हो, कच्चे कीमे के कबाब भी बना सकते हो, नरगसी कोफ्ते भी बना सकते हो, ठीक है, और जस्ट कोफ्ते भी बना सकते हो। और चिकन की रेसिपी सेम ट्राई करके मिंट चीज़ बॉल्स भी बना सकते हो, ठीक है। इसको जो है अब मैं अच्छे से फ्रीज करती हूँ, फिर इसको ज़िपर बैग में इसको डाल के इसको आप जो है एक मंथ के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जो है आलू कोफ्ते भी बना सकते हैं इसके साथ, अंडे कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको पहले जो है डीप फ्राई करके फिर आपने ग्रेवी बना के अंडे डाल लें, अंडे डाल लें, आलू डाल लें, आलू डाल लें, ठीक है। इट्स अप टू यू, बट आपने पहले इसको डीप फ्राई करके फिर आपने इसकी हंडिया में यूज़ करनी है, ठीक है। इसको अदरवाइज़ अगर आप इसको अगर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो है संभालने बहुत मुश्किल हैं, इसलिए आपने इनको डीप फ्राई करके फिर आपने इसकी जो है कुकिंग करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, एक जो मैंने आपको फ्राई करके दिखा दिया है, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल।